अगर आप फेसबुक पे कोई भी वीडियो कोई भी फोटो अपलोड करते हो, बाद में आप चाहते हो कि उस फोटो को कोई भी ना देख पाए, देन आप कैसे कर सकते हो? अगर आपने पहले कभी भी फोटो कोई भी अपलोड करी थी, देन आप अब चाहते हो कि अब आप उस फोटो को छुपा लो, यानी कि पहले आप चाहते थे कि उस फोटो को सब लोग देखें, लेकिन अभी आप चाहते हो कि उस फोटो को आप हाइड करके रख सको, यानी कि कोई भी ना देखे। देन आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप फेसबुक पर अपलोड करी हुई फोटो को हाइड कर सकते हो। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे बाद में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और आप कमेंट में जाके बोलोगे कि ये ऐसे वर्क नहीं करती। तो ट्रिक को अच्छे से जानने और समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बी स्मार्ट विद एसआर के। आज की वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप फेसबुक पर फोटो अपलोड करते हो और इन फ्यूचर आप चाहते हो कि आपकी फ़ोटो कोई भी ना देखे, आप अपने फ्रेंड लोगों से फ़ोटो को हाइड करना चाहते हो, देन आप कैसे कर सकते हो? आपको चलना है अपनी फेसबुक की ऐप पे, देन यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिख रही है, उस पर क्लिक करना। जब आप क्लिक करोगे ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा, ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना। जब आप प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड फोटो, आपको फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड वाले सेशन में चले जाना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है फोटो ऑफ यू सेव्ड, और उसके बाद आपको दिया हुआ है अपलोड। अपलोड फोटो के ऑप्शन पे आओगे तो वो सारी फोटोज़ आ जाएंगी जो कि आपने अपलोड करी होंगी। यहाँ पे देखिए फोटो दिख रही है, जिस भी फोटो को आप हाइड करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना, देन उस फोटो को आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ऊपर 3 डॉट्स, जब आप डॉट्स पे क्लिक करोगे उस डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। जब आप उस डॉट पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आएंगे। नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है एडिट प्राइवेसी, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, पब्लिक फ्रेंड, फ्रेंड एक्सपेक्ट ओनली मी एंड मोर का, तो सी मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करोगे देन आपको ऑप्शन मिल रहा है पब्लिक, अगर आप सबको फोटो दिखाना चाहते हो, पब्लिकली शो कराना चाहते हो, देन आप पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ वही लोग देखें जो आपके फ्रेंड है, देन आप फ्रेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अगर आप फ्रेंड ऑफ एक्सपेक्ट यूज़ करते हो, देन यहाँ पर जाकर आप उन फ्रेंड की लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हो जिनको आप नहीं चाहते कि आपकी फ़ोटो दिखे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक फ्रेंड्स का ऑप्शन आ रहा है, उसमें अगर आप क्लिक करते हो और कुछ फ्रेंड कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, जिन्हें जिन्हें आप चाहते हो कि वो लोग आपकी फ़ोटो देखे, उन्हें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी आपकी फ़ोटो ना देखे, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या तो आपका फ्रेंड ना हो, कोई भी पर्सन आपकी फ़ोटो ना देखे, देन उस केस में आपको यहाँ पे ओनली मी का ऑप्शन मिल रहा है, आपको ओनली मी के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ओनली मी के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लोगे देन आपको बैक आ जाना है। जब आप किसी भी फ़ोटो के एडिट प्रोफाइल में जाकर ओनली मी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, देन उसके बाद वो फ़ोटो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही देख सकते हो, आपके अलावा कोई भी पर्सन उस फोटो को नहीं देख सकता, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या तो वो आपका फ्रेंड ना हो। दोनों ही केस में वो फोटो जो आपने ओनली मी कर सेव कर, ओनली मी करने के बाद वो फोटो हाइड हो जाएगी, वो फोटो आपके फेसबुक पे किसी को भी शो नहीं होगी, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या तो वो आपका फ्रेंड ना हो। दोनों ही कंडीशन में वो फोटो अब किसी को भी शो नहीं होने वाली। तो इस सेटिंग का यूज़ करके आप फेसबुक पर अपलोड करी गई किसी भी फोटो को हाइड कर सकते हो, फेसबुक पर अपलोड करी किसी भी फोटो को छुपा सकते हो। आपके लिए यूज़फुल रही होगी वीडियो, कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या सजेशन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक ग्रुप पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।